हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट दोस्त पंकज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ जी में। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, नया साल आने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। आपके जीवन में ये नया साल आप लोगों के लिए खुशियों से भरा हुआ साल साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो मेरे बचपन से रिलेटेड है, यानी कि मैं बचपन में कैसे नए साल को मनाया करता था उसके बारे में। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे उसकी वाकई में बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि मेरा वो बचपन कहाँ चला गया, वो समय कितना मज़ा करते थे हम लोग नए साल पर, तो उसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मिलती रहे नोटिफिकेशन में आप सभी को हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भी चाहूँगा कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मिलता है मोटिवेशन और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाते रहने के लिए। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने जैसा बताया है कि मैं कुछ अपनी बचपन की बातें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे मैं बचपन में नए साल को मनाता था। एक्चुअली बचपन में हमारी एक टीम हुआ करती थी, हमारी क्रिकेट टीम थी, और उसमें मैं एक एज अ बैट्समैन खेलता था, बॉलर भी था, पर ज़्यादातर मुझे बैटिंग पसंद थी। तो हम लोग पिकनिक मनाते कैसे थे ये बता रहा हूँ। उस वक्त हम लोगों को बहुत जब नए साल का ख़ास तौर से बेसब्री से इंतज़ार रहता था, क्योंकि उस वक्त हमें अपने घर वालों से यानी अपने गार्जियन से किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होता था। वैसे मैं बताऊं कि जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे या फिर हम लोग अपना जो भी है ग्रुप मीटिंग करते थे, तो हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत नाराज़ होते थे कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, बस यही सब लगे रहते हो है? तो लेकिन नए साल पे पेरेंट्स भी हम लोगों की पिकनिक में हेल्प किया करते थे, और किसी भी तरीके का सपोर्ट होता था तो वो बिना मांगे ही मिल जाता था। और इसीलिए बता रहा हूँ कि ये पिकनिक हमारे लिए बहुत ख़ास होता था। बताएं कि पिकनिक मनाने के लिए अक्सर आप लोग मूवी देखते होंगे या फिर जगह दूसरी जगहों पे घूमने जाते होंगे, पार्क में या फिर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, हरी भरी वादियाँ हैं। कई बार आपने मेरे वीडियो ब्लॉग्स में देखा होगा जहाँ पर मैं पहाड़ों पर गया हूँ, हम लोग वहाँ पर जाया करते थे पहाड़ों पर पिकनिक मनाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर जाने के लिए वैसे तो हमें साल भर परमिशन नहीं होती थी, मगर उस दिन हम लोगों को कोई नहीं रोकता था, क्योंकि वहाँ हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जाया करते थे। करीब हम लोग 20-25 लड़के हुआ करते थे और हम लोग पिकनिक मनाने के लिए वहाँ जाते थे। लेकिन एक बात बताऊँ, सबसे अच्छी बात क्या होती थी, हमें पिकनिक मनाने के लिए जो भी चीज़ें, जैसे हम लोग बाटी चोखा ज़्यादातर बनाते थे और हमारा वही चीज़ तो सबसे मेन है, तो कोई लड़का अपने घर से आटा ले आता था, कोई लड़का अपने घर से प्याज टमाटर बैंगन, ऐसे ही हर कोई कुछ न कुछ अपने घर से ले आता था। और हम लोग एक दिन पहले ही मीटिंग में ये फिक्स कर लेते थे कि किसके घर से कौन कौन क्या क्या ला रहा है। किसी पर हम लोग प्रेशर नहीं डालते थे कि तुम्हें ये लाना है, बल्कि हम लोग पूछते थे कि कौन कौन क्या क्या ला सकता है, अभी बता दे, लिस्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग खुद को मैनेज करते थे और हम लोग बहुत आराम से खुशी खुशी जाकर पहाड़ों पर जाते थे, वहाँ पर अपना व्यवस्था करते थे, आग जलाते थे। और आपको बताएं कि जो बर्तन वगैरह होते थे हम लोग उसको घर से यहाँ से लेकर जाते थे, और हमारे जो गार्जियन होते थे वो बस उनको ये बताना होता था कि हम लोग इस जगह पर जा रहे हैं, और वहाँ से एक गार्जियन हमारे साथ जाता था, हमें देखता था कि हम लोग वहाँ पर हैं, फिर वो वापस चले जाते थे। और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते थे, हम लोग अपने हिसाब से वहाँ पिकनिक मनाते थे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या, वहाँ पर कुछ लड़के ऐसे होते थे ना जो काम जोर होते थे, वो क्या करते थे ना कि सामान भी बहुत कम लाते थे, और मतलब कहते थे कि हम इतना लेकर आएंगे, लेकिन सामान बहुत कम लेकर आते थे, कंजूस होते थे वो लोग। और क्या करते थे, काम भी नहीं करते थे, जैसे लकड़ियाँ इकट्ठा करना जलाने के लिए या फिर सब्जियों को काटना, ये सब चीज़ें जब किसी को दिया जाता था तो वो कोई ना कोई बहाना मार के इधर उधर आसपास, चूँकि पहाड़ है जंगल है
तो पेड़ पौधों के आसपास छिप जाया करते थे कि जब बन जाएगा तब जाएंगे और सिर्फ खाएंगे। और हम लोग उसको हम लोग जब नज़र पड़ती थी कहाँ गया वो लड़का, वो सब कहाँ है, दो तीन लड़के ऐसे एक ग्रुप में बना के भाग जाते थे, तो हम लोग उनको ढूंढते थे। और जब तक वो लोग उस काम को करते नहीं थे, हमारा पिकनिक कंप्लीट नहीं होता था, तो वो उस काम को उसे करना ही था। और जब हम लोग उन लोगों को पकड़ लेते थे तो वो लोग बहुत, मतलब ऐसा लगता था कि अरे यार पकड़ लिया उन लोगों ने मुझे, वरना हम लोगों को सिर्फ खाने को मिलता। तो ऐसा होता था पिकनिक के दौरान, लेकिन कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं होता था हम लोग का, बहुत प्यार से। अगर पकड़े भी जाते थे तो हम लोग बहुत ही प्यार से रहते थे, उन लोग को भी अच्छा लगता था कि यार चलो थोड़ा परेशान कर लिए तो क्या हुआ, तभी तो पिकनिक का मज़ा है। और इसके बाद हम लोग अपना सब कुछ बना लेते थे। अब ये बात जरूर है कि हम लोगों को उतने अच्छे से बनाने नहीं आता था, लेकिन जो भी कच्चा पक्का बनता था हम लोग मिल बांट कर खाते थे। लेकिन एक बात बताऊँ, उसका जो टेस्ट था ना, वो जो घर में आप लोग बाटी चोखा बनाते हैं उसके उसके हिसाब से हम कहते हैं कि 10 गुना ज़्यादा बेहतर लगता था। भले ही थोड़ा कच्चा रहता था, कच्चा पक्का रहता था, मगर उसका टेस्ट ही अनोखा होता था, क्योंकि हम लोग जो मिलकर बनाते थे और पहाड़ों की वादियों में बैठकर बनाते थे, सब चीज़ों से दूर, वो चीज़ आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चीज़, और चूंकि बनाते बनाते इतना भूख लग जाता था कि मन करता था यार जल्दी से घर चले जाए, वहीं खा लेते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग ग्रुप में हैं, हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं, हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। और जब बनता था तो बताते हैं कितना आनंद आता था, हम लोग साइड से लाइन से बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई खिला रहा है और बाकी खा रहे हैं वो देख रहा, नहीं, सबको बराबर से मिल जाता था, सबको बराबर बराबर मिलता था और किसी को कम ज़्यादा नहीं होता था। सब लोग कोशिश करते थे सबको बराबर मिले, और उसके बाद हम लोग खाते थे और उसके बाद वहाँ से घूमते थे उधर आसपास थोड़ी देर पहाड़ों में इधर उधर, तो और उसके बाद फिर वहाँ से आते थे। और एक बाकी ये तो हो गया मेरा उस समय जब मेरे पास ग्रुप थे, लेकिन एक पर और बताऊँ कि मेरे ग्रुप्स टूट चुके थे, सब बाहर इधर उधर चले गए थे, तो मेरा सिर्फ दो तीन दोस्त रह गए थे साथ में। और वो हम लोग जब मिले तो नए साल पे क्या किया जाए ये समझ नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, वो जो है सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, सिर्फ हम लोगों ने ब्रेड और चीनी जो शक्कर होता है उसका इस्तेमाल करके पिकनिक मनाए थे। इसलिए क्योंकि हमारे पास ना हम में से कोई लिट्टी चोखा बनाना जानता था और ना ही इतना अरेंजमेंट हम लोग कर पाते, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो बस इतना ही। लेकिन एक बात बताएं, जब पिकनिक मनाते थे तो सिर्फ खाने के लिए नहीं मनाते थे, बस कुछ समय हम लोग जो साथ में मिलकर काम करते थे और बातें करते थे, और जिस तरीके से हम लोग आपस में शेयर करते थे एक दूसरे से हर चीज़, वो चीज़ें पिकनिक का जो वैल्यू था वो बढ़ा देती थी। और वही चीज़ था जो हम, मुझे आज याद आता है कि आज अगर हम ऐसा कुछ करना चाहें तो आज वो पॉसिबल नहीं है। तो बस इसीलिए इस नए साल पे आप लोगों से अपना ये एक बात जो है जो शेयर करना चाहता था, और बस याद आ रही थी उस चीज़ की। तो आई थिंक आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने बचपन ऐसे ही मनाया होगा इस नए साल को पिकनिक के रूप में, इसलिए आपकी भी यादें ताज़ा हो ही गई होंगी। और आप जानते ही होंगे कि कितना मतलब टेंशन फ्री, किसी चीज़ की चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, और बस अपने आप में रहते थे हम लोग। और वो चीज़ें याद कर कर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ऐसा भी वक्त बिताया है, मतलब इस धरती पर अपनी ज़िंदगी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या राय है कि इस तरह की चीज़ें आगे हम लोगों को करनी चाहिए क्या, और क्या आपने ऐसी चीज़ें की हैं, तो कमेंट में करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, हिचकिचाइएगा मत, शर्माइएगा मत, ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपको वो कमेंट्स पढ़कर, रिप्लाई भी करूँगा, लाइक भी करूँगा। और आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई मेम्बर्स, बाय।